Welcome back to Rising Pakistan. Endangered animals क्या होते हैं? वो जानवर जो अब नापैद होते चले जा रहे हैं. मिसाल के तौर पे पांडा. पांडा की तस्वीर दिखाएं जी. हैं कंट्रोल रूम कह रहे दिखा रहे हैं ऑलरेडी. अच्छा गुड मॉर्निंग अस्सलामुअलैकुम. क्या हाल है? ठीक. मैं पांडा किससे मिलता हूँ? पांडा की तरह लगता हूँ. अच्छा विच एनिमल रिमाइंड्स यू व्हेन यू सी तोसी कंकर? तोसी कंकर. ये तो पांडा वाले से एक स्टेप ऊपर चलेगी. क्या हाल है नवेरा? ठीक. आई एम सो हैप्पी कि तुम मजे मजे के सेगमेंट्स लेके आती हो मेरे लिए. आज क्या टॉपिक है? एंडेंजर्ड एनिमल्स. आपको पता है जो हमारे इकोसिस्टम है वो स्लोली स्लोली एनिमल्स को वो हमारे नेचर को डिस्टर्ब कर. अच्छा ओके. तो आपको पता है कि अल्लाह मियां ने अल्लाह ताला ने हर किसी को एक पर्पस के लिए बनाया हुआ. ओके ओके. और सबसे प्रॉब्लम क्या है नेचर का? ह्यूमन बीइंग. अच्छा ह्यूमन बीइंग्स जा रहे हैं उनकी नेचर खराब हो रहे हैं. तो आज हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो एंडेंजर्ड है. जी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट. तो साथ साथ आप कुछ तस्वीरें और स्लाइड्स भी लेके. हाँ ठीक है. सबसे पहले हमारा है पैंडा. पैंडा दे आर सो क्यूट. हम लोग तो विश ही करते होंगे कि हम लोग उनको अडोर कर ले. है ना? अब वो हम अडॉप्ट कर ले. अडॉप्ट कर ले और घर में ले आए. वो देखो कितना प्यारा लग रहा है. कितने क्यूट है. लेकिन आपको पता है एक बहुत जैसे एक पर्पस है. लोग इनके हैबिटेट्स ही होते हैं ना. हैबिटेट्स एनिमल्स के हाउसेस होते हैं. हैबिटेट्स इनको कहते हैं. तो वो अपने हैबिटेट्स इनकी जैसे द हैबिटेट इज गेटिंग लॉस्ट. जैसे लोग अपने हैबिटेट्स को रुइन कर रहे हैं. यानी उनका जो उनके रहने की जो अपनी जगह है उनके हैबिटेट जो है उसको इंसान वैसे ठीक बंदा नहीं है मुझे कभी कभी लगता है ना. कभी कभी है ना. तो वो जाके उनके हैबिटेट को इफेक्ट कर रहा है. उनको खत्म कर रहा है. ठीक है जी. ठीक है. और पांडास बैम्बूज खाते हैं. उनका फेवरेट फूड बैम्बूज है. सीरियसली? जी. और अगर वो इतने क्यूट तरह से खाते हैं लेकिन अगर बैम्बूज खत्म हो जाए तो उनका फूड भी खत्म हो जाएगा. फिर भी वो डाई हो जाएंगे. ओके. और इंसान क्या करता है? वो सारे बैम्बूज जो है यानी बांस जो है और अपने घर में डेकोरेशन पीस डेकोरेशन में या कंस्ट्रक्शन में या सीढ़ी बनाने में यूज करता है. और पैंडा या घर भी कभी घर भी बैम्बूज के घर भी बनते हैं. हाँ. और पैंडास कहते हैं मेरा कहाँ गया? Where's my food? और फिर अगर कोई पूछे ये बैम्बूज कैसा है फिर अगर वो आप कहे कि ये मैंने अमेरिका से मंगवाया प्योर प्योर पैंडास के. हम बड़े फख्र से ये बातें करते लेकिन हम नहीं सोचते कि उस जानवर के लिए शायद वो खुराक थी जिसको इंसान ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के. अच्छा मुझे बताएं कि पांडास किस कंट्री में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया? नो. कनाडा? नो. इटली? नो. बांग्लादेश? फ्रेंड भी है हमारा. फ्रेंड है. ओके ओके. चाइना. मैं पहुंच गया था. चाइना में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और चाइना में सबसे ज्यादा खत्म. चाइना का वो नेशनल एनिमल है लेकिन एंडेंजर्ड है. अच्छा जी अगले एनिमल पे चले. जी चलते हैं अगले एनिमल की बात करते हैं. ये तो होगी पांडा की बात. अब देखिए टाइगर. ये है एशियन टाइगर. देखिए एशियन टाइगर जो सारे टाइगर्स हैं उनके बहुत ही ज्यादा 6 स्पीशीज होती हैं. ठीक है. और वो लोग ये जो इनके वो होते हैं ना ऑर्गन्स ही इनकी दवाई मनाते हैं बिकॉज दे वेरी हेल्प. They help our body. तो वो उनको कभी कभी दवाइयों के लिए मार देते हैं या कभी कभी ये ऐसे भी मारते हैं कि हम लोग उनसे डरते हैं. वो हमें अटैक करना चाहते हैं हम लोग उनको मार देते हैं. आपको पता है वो हमें मारते क्यों हैं? क्यों आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता. इसलिए वो हमसे डरते हैं. इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों को अटैक करते हैं. अच्छा तो जनाब ये जो एशियन टाइगर है ये भी नवेरा हमें बता रही है एंडेंजर्ड स्पीशी है और इनको मारा जाता है कि इनके जो ऑर्गन्स हैं इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से वो अद्वियात में दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होते हैं इसलिए हम इनको मार रहे हैं और ये बिल्कुल गलत बात. और आपको पता है कितने रहेंगे इस वर्ल्ड में? कितने? बस 4,000. इसलिए इसको एंडेंजर्ड पूरी दुनिया में एशियन टाइगर की किस्म जो सिर्फ 4,000 रह गए. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी अगले अब बात करते हैं एक और
एनिमल की कितने एनिमल्स रह गए हैं जी? ठीक है, ब्लू व्हेल हर जैसे हर मुल्क की सी में पाई जाती है, जैसे हमारे जो कराची में सी है उसमें भी पाई जाती है, जो भी सीज है उसमें पाई जाती है, लोग इनके हैबिटेट लॉस्ट हो रहे हैं तो इसलिए ये मर रहे हैं। Exactly. अच्छा जी, ब्लू व्हेल, और अब हमारे पास टाइम बहुत कम है नोवेरा, इसलिए हम जल्दी जल्दी एक एक स्लाइड दिखाते जाते हैं और हम तस्वीर में बताते जाते हैं कौन से इंडियन। अब ब्लू व्हेल 2500 रह गए हैं इसमें। 2500 रह गई है, तो इनको भी हमें बचाना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगला एनिमल कौन सा है? अच्छा देखिए, एशियन एलिफेंट जैसे 13 से ज्यादा पाए जाते हैं इस सारे मुल्क में, और इनका हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है। और आपको पता है टाइगर का जो बेबी है वो छोटे एलिफेंट का बेबी को अटैक कर, उनके हैबिटेट लॉस्ट हो रहे हैं, उनका वो बहुत ज्यादा प्लांट्स खाते हैं, उनका फूड लॉस्ट हो रही है, उनका हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है। ओके, तो हमने एशियन एलिफेंट को भी बचाना है जी, सबने मिलके, है ना? और आपको नोवेरा की क्यादत में उनके जो टीथ होते हैं वो कभी कभी उनको भी जैसे डेकोरेशन पीस बना लेते हैं। यस, और हम उससे मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं जो कि बिल्कुल गलत। हम कहते हैं ये जी हाथी के दांत की बनी हुई है, लेकिन उसके पीछे क्या है, हम उन हाथियों को मार रहे हैं। और आपको पता है ये बहुत बुरी बात है, दे कैन फील वेरी बैड। देखिए अगर कोई हमारा ऐसे करे, इफ वी आर एनिमल्स, अगर इफ द एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग्स वो हमारे साथ ऐसे करें, देन वी वुड फील वेरी बैड। एग्जैक्टली, वो अब जाके कि ये जी इंसान के कान से हमने बनाया है ना जी, जो हमारे कान की हड्डी होती है उससे हमने ये चीज बनाई है। और अब हमारा गुरेला, गुरेला आपको पता है 95% उनका डीएनए हमारा जैसा होता है। Really? Yes. Okay. तो मतलब हो सकता है कि उनसे जाके जरा बातचीत की जाए तो बहुत सी हमारी कॉमनलिटीज निकल आए, है ना? उनके इमोशंस होते हैं, इंपैक्ट होता है उनका। और आपको पता है ये क्यों एंडेंजर्ड है, इसलिए उनका हैबिटेट लॉस होता है, उनका फूड हैबिटेट। ओके, वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा, ये हमारे इंसानों की तरह रोते भी हैं और इमोशनल हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ना फील करते हैं लाइक ह्यूमंस। लेकिन मैं याद है जब हम लोगों ने ट्रिप टू द जू किया था, मुझे गोरिल्लास मिले थे, वो हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, याद है आपको? एग्जैक्टली। तो ये जो आपने भी बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी कोई टाइगर या एलिफेंट वो इंसान पे अटैक करता है, वो इसलिए नहीं कि वो हमारा बुरा चाह रहा होता, वो हमसे डरता है, वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अटैक कर रहा होता है। Exactly. अच्छा जी, जल्दी से अब हमारे दो तीन एनिमल्स रह गए हैं। देखिए सी टर्टल, अब सी टर्टल में बहुत अच्छी चीजें, देखिए सी के अंदर एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज वो खाता है, अल्लाह मियां ने एक चीज बनाई हुई है, ये स्पॉन्ज खा ले सी के अंदर, वो स्पॉन्ज खा ले, लेकिन अदर फिशेस वो नहीं खा सकते, वो उनके लिए तो पॉइजन है, टॉक्सिक है, लेकिन टर्टल के लिए तो ठीक है मजे का लगता है टर्टल को। तो वो खा रहा होता है जो कि सी में एक टॉक्सिक एलिमेंट है। और आपको अभी आप जो थोड़ी देर पहले नोवेरा बात कर रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा हमारा एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम ने एक चीज ने बहुत से जर्म्स जो है वो बहुत से दूसरे जो स्पीशीज है उनको खत्म कर रहे हैं, और बहुत से एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। तो हर चीज का कायनात में जितनी भी अल्लाह ताला ने स्पीशीज बनाई उन सब का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। और आपको पता है उसकी शेल बहुत खूबसूरत होती है, लोग इसे झूले बनाते हैं, अगर गवर्नमेंट का कोई देखे बंदा या कोई भी गवर्नमेंट आए और देखे तो उसको फाइन देना पड़ता है या उसको जेल में जाना पड़ता है, इसलिए दिस इज नॉट फेयर फॉर द एनिमल्स। तो वेयर रिपीटिंग अगेन, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है अगर आप लोग उनको हंट कर रहे हैं, आप प्लीज उनको हंट करना छोड़ दें, लोग उनको पर एनी जैसे कोई पर्पस के लिए भी नहीं, खाने के लिए हंट कर लेते हैं या बस अपनी सिक्योरिटी के लिए। Exactly. या तो उनके दांत को या उनके शेल से चीजें बनाने के लिए। अच्छा जी, अब क्विकली हम चलेंगे, दो और हमारे पास एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड है। राइनो की जो बीक होती है ना लंबी सी, उससे वो जैसे वो बीक को डेकोरेशन पीस बनाते हैं, बिकॉज द बीक इज वेरी एक्सपेंसिव इन द होल वर्ल्ड, और इसलिए उसको मारा जा रहा है। एक और है जी हमारा, एक और है जल्दी से, पेंगोलिन की जो ये जो आपको पता है ये जो
शेल्स है, ये हमारे नेल्स की तरह है। और इन ये एंडेंजर्ड क्यों है, इसलिए इनका हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है या वो उनके ऑर्गन से हमारे लिए दवाइयां बना। एग्जैक्टली। और अब तो बिल्कुल ही आखिरी एक एनिमल रह गया, वो किसी पर नाराज हो जाएगा। हाँ, वुपिंग क्रेन अफ्रीका में पाया जाता है। और देखिए, वो पहले एंडेंजर्ड था, लेकिन अब जो साइंस वो जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट ने इनको रिप्रोड्यूस किया। Exactly. तो अब वो बेहतर होते जा रहे हैं। अब वो बेहतर। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो पाकिस्तान की इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है, वो भी एक जमाने में एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, लेकिन इसकी प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सा काम किया गया। और आपको पता है, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन जो क्या डॉल्फिन होती है, आपको पता है वो ब्लाइंड होती है, लेकिन उसका जो माइंड होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। शी कैन टेल, द डॉल्फिन कैन टेल कि इधर मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स अ डेड एंड, या मैं इधर जाऊंगी तो सी अंकल के शो पे। वो एंडेंजर्ड शो नहीं है ना, एंडेंजरिंग शो नहीं है। हाँ, ना? Okay. उनको पता होगा। वेरी नाइस भाई, जबरदस्त तुम्हारा सेगमेंट होता है नोवेरा, जिसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आज हमने बात की उन जानवरों के बारे में जो कि एंडेंजर्ड हैं, जो कि खत्म होते जा रहे हैं, और हमने मिलकर उनको बचाना ताकि हमारा पूरा सिस्टम इकोसिस्टम चलता रहे। हैव अ ग्रेट डे नोवेरा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना बिल्कुल तैयार हैं। और आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं उन साथियों के लिए जो लैपटॉप पे ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं ताकि आपकी गर्दन और आपके शोल्डर्स, आपके कंधे जो है मजबूत रहें और एक्टिव रहें। रही मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में।